नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे आलू से बनाए जाने वाले पापड़ की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कच्चे आलू से बनाए जाने वाले 100 पापड़ की रेसिपी, बहुत कोई डाले हुए हैं। आपने भी शायद कभी ना कभी बनाया ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, उस तरीके से आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कच्चे आलू से पापड़ बनाने की ऐसी विधि। तो फ्रेंड्स, कभी आप बनाए होंगे तो देखे होंगे कि जब कच्चे आलू से पापड़ बनाते हैं हम लोग, तो पापड़ जब सूखता है तो वो बहुत ज़्यादा काला काला सा दिखता है। जब आप उसे फ्राई करते हैं तो भी वो लाल हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी और इस तरीके से आप पापड़ बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 बड़े साइज का कच्चा आलू। आप अपने अनुसार से जितना चाहें उतना ले सकते हैं। आलू को अच्छे से पहले छील ली हूँ, क्योंकि नया वाला आलू है तो बहुत अच्छा से इसका पतला पतला सा छिलका होता है, तो चाकू से ही हट जाता है। अब सारे आलू को हमें काट लेना है इस तरीके से। वीडियो पूरा देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो ही आप बनाइए। आधा अधूरा वीडियो देख के पापड़ मत बनाइए फ्रेंड्स। और भी कोई रेसिपी आप हल्का फल्का सा भी देख सकते हैं, लेकिन पापड़ की रेसिपी है तो अच्छे से देख के तब बनाएं। आलू हमारा कट चुका है, अब इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से धो के पानी से साफ़ कर लेना है। वापस से इसमें साफ पानी डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें दूसरा पानी डाल देती हूँ एक बार धोने के बाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। पानी में डाल दी हूँ आधा चम्मच नमक। और आलू को और भी ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ली हूँ फिटकरी। तो फिटकरी को क्या करना है, आपको बस 2 से 4 बार पानी में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डाल के इस तरीके से मिक्स कर देना। इससे क्या होगा, हल्का सा फिटकरी का पानी जो है हमारे आलू वाले पानी के साथ मिक्स हो गया है। और आप देखिएगा थोड़ा देर के बाद, देखिए फ्रेंड्स, आलू का जो पानी है कितना इसका कलर गंदा सा हो गया है और आलू हमारा कितना सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है देखिए। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा पापड़ जब बनेगा तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा बनेगा और बनाने का तरीका बिल्कुल नया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो अभी आलू को इसी तरीके से डूबे रहने देना है थोड़ा देर के लिए, जब तक हमारा आलू डूबा हुआ है फिटकरी के पानी में। यहाँ पर मैं ली हूँ आधा कप चावल, बहुत ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा का बनाइएगा। यहाँ पर आधा कप चावल ली हूँ और चावल वही कच्चा वाला जिसे कि हम लोग पापड़ वगैरह बनाते हैं, अरवा चावल। अब चावल को भी 3 से 4 बार धो के साफ़ कर लेना है, जैसे कि हम लोग चावल का कोई रेसिपी बनाते हैं उसे धो के साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर चावल हमारा धुल चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, आप देख पा रहे होंगे, इसे भी रख देती हूँ। अब आलू हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, कितना इसका देख रहे हैं, आलू का एकदम कलर देखिए आप, और पानी का कलर आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है कि इसे वापस से इस पानी को फेंक देना है। देखिए फ्रेंड्स, पानी को फेंक के और फिर से 2 से 3 बार आलू को धो के साफ़ करना है। तो यहाँ पर हमारा आलू अच्छे से धुल के तैयार हो चुका है। अब इसी से आपको पापड़ बना के दिखाती हूँ, आपको पीसने की भी झंझट नहीं। जैसे अभी आप कच्चा आलू को पीस के पापड़ बनाते हैं ना, तो वो भी नहीं करना है। अभी यहाँ पर डाल देना है कुकर, और कुकर में देखिए इसी वाले कप से चावल का नाप की हूँ, तो इसी वाले कप से हमें पानी डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 4 से 5 कप पानी डाल लीजिएगा। जिस भी कप, कटोरी, ग्लास से आप जिससे भी चावल ले रहे हैं उससे आप 5 गुना 6 गुना पानी कुकर में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 कप पानी डाली हूँ कुकर में। और क्या करना है, अब इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। नमक ज़्यादा ना हो, नमक ज़्यादा होगा तो आपका पापड़ का जो मज़ा है वो आपको नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल उसका कड़वा सा टेस्ट हो जाता है। तो बस थोड़ा सा नमक ही इसमें डाली हूँ। अब पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पानी हमारा हल्का सा आपको गर्म लगेगा। इसके लिए इस पर पहले ढक्कन लगा देती हूँ, झटपट से गर्म हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देना है धुला हुआ आलू और चावल दोनों को। तो सबसे पहले इसमें डाल देती हूँ चावल को।
ऐसा नया तरीका है, एक भी पापड़ आपका ना टूटेगा ना फटेगा और एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा दूध के जैसे सफ़ेद पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से पापड़ ज़रूर बना के देखिएगा। जिन्हें बिल्कुल भी पापड़ बनाना नहीं आता है वो भी झटपट से ढेर सारा पापड़ बना सकते हैं। अब इसमें लगा देना है ढक्कन, ढक्कन लगा के इसमें 3 सीटी आने तक उबलने देना है। गैस की आंच को कम कर दीजिए और 3 सीटी इसमें लगने दीजिए। 3 सीटी में हमारा आलू और चावल दोनों एकदम बराबर से पक के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 सीटी लगने के बाद कुकर को उतार ली हूँ चूल्हे से नीचे। अब इसे खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू और चावल दोनों कितना अच्छा से एकदम गल चुका है और पानी भी इसमें नहीं बचा है। 5 कप पानी डाली थी लेकिन पानी देखिए एकदम पूरा बराबर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप नए हैं हमारे चैनल पर और भी पापड़ की रेसिपी देखना चाहते हैं, नए नए तरीके का पापड़ बना के रखना चाहते हैं, तो ढेर सारा वीडियो मैं डाली हुई हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। और बहुत ही अच्छा से बताई हूँ और बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से पापड़ बना के दिखाई हूँ, जिसमें कि ना ही आपको आटा गूंथने की झंझट होगी, ना ही बेलने की झंझट होगी, कोई तामझाम नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल सी पापड़ की रेसिपी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आपको जो भी अच्छा लगेगा पापड़ की रेसिपी, तो आप उस तरीके से पापड़ बना के स्टोर कर सकते हैं। अब आलू और चावल जो है उसे निकाल लेना है किसी फैले मुंह के बर्तन में, जिससे कि अच्छे से ये ठंडा हो सके। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा पंखे में डाल देती हूँ जिससे कि ये झटपट से ठंडा हो जाएगा और मैं आपको पापड़ बना के दिखा पाऊँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दे वीडियो को। और चैनल पर नए हैं हमारे, इसी तरीके की रेसिपी आगे भी देखना चाहते हैं, तो झटपट से बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। और जो कोई फ्रेंड्स हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। भगवान उनका भी सारे मनोकामनाएं को पूर्ण करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जब हमारा आलू और चावल ठंडा हो चुका है तो उसे डाल दी हूँ मिक्सर जार में और इसमें 1/2 कप पानी डाल दी हूँ। अब क्या करना है, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है एकदम बारीक सा। तो देखिए, यहाँ पर चावल और आलू को 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से पीस के ले ली हूँ और इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं बचा है। आप चेक कर लेंगे जब आप पीस रहे होंगे ना, थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि इसमें आलू का टुकड़ा ना बच जाए। देखिए, इसका कलर ही आप देख के समझ पा रहे होंगे कि आलू का पापड़ ऐसे भी बनाया जा सकता है कि बिल्कुल नई रेसिपी है ना। तो किन किन फ्रेंड्स को एकदम बिल्कुल नया लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इस तरीके का हमारा बैटर जो है आलू और चावल का बनके तैयार हो गया। आपको अभी गाढ़ा लगेगा, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये जमा हुआ है, तो आप यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड और कर सकते हैं। पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आप डालना है कुछ मसाला, तो यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा अजवाइन, और इसमें जीरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा अजवाइन डाली हूँ, और इसके साथ ही डालूँगी चिली फ्लेक्स। और लाल मिर्ची को दरदरा सा कूट के डाल दीजिएगा, उससे थोड़ा तीखापन भी आ जाएगा पापड़ में और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। थोड़ा सा लाल लाल सा उजले के ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालें। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है, इसमें कोई पापड़ खार मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालना है और बस ऐसे ही सिंपल तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, तब हमारा पापड़ जो है बहुत अच्छे से बनेगा। ऐसे बनाने में थोड़ा ये ज़्यादा चिपचिपा होता है। थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे अच्छे से मिलाइएगा, तब जाके पानी और आलू का पेस्ट एक जैसा होगा। अब पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ पॉलीथीन, ये आटा का जो पैकेट आता है ना वो वाला है, बहुत अच्छा होता है, इस पर पापड़ बनाइए ना। और पॉलीथीन पे आपको तेल नहीं लगाना है, बिना तेल लगाए हुए ही आपको पापड़ बनाना है। इस तरह से बनाइएगा ना तो आप लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं, पापड़ में कोई स्मेल नहीं आएगा। और पापड़ आप सोच रहे होंगे कि उखड़ेगा कैसे, तो बहुत अच्छे से जब सूख जाता है तो अपने आप किनारे से छोड़ने लगता है। जब अच्छे से एक तरफ से सूखेगा, फिर इसे दूसरे तरफ से पलट के पापड़ को अच्छे से सुखा के स्टोर कर लीजिएगा। पापड़ टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा, और कच्चा कच्चा सा पापड़ आप पलट दीजिएगा तो पापड़ टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से पतला पतला पापड़ बना के सूखने के लिए डाल देती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पापड़ हमारा सूख के तैयार हो गया है। इतना पतला पतला पापड़ था कि इसे सूखते हुए कुछ भी टाइम नहीं लगता है। एक दिन के धूप में ही सूख के ये तैयार हो गया। आपके यहाँ धूप का कमी है तो 2 से 3 दिन लग भी सकता है। और पापड़ बहुत ही अच्छा से सूखा, आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना एकदम उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद सा हमारा पापड़ बना है। लगता है कि कच्चा आलू से ये पापड़ बनाया गया है। बोलने का तो कच्चा आलू से ही बोला जाए, लेकिन इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। आप पापड़ को फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर ली हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप आलू का पापड़ बनाए होंगे, मैं भी इसके पहले बनाई हूँ आलू का पापड़, तो उसे फ्राई करने के बाद उसका कलर हल्का सा डार्क हो जाता है, लेकिन इस पापड़ का कलर देखिए आप, जरा सा भी नहीं डार्क होगा। बहुत ही अच्छा सफ़ेद सफ़ेद सा पापड़ बन के तैयार होता है। तो इस तरीके का पापड़ मैं भी पहली बार ट्राई की हूँ फ्रेंड्स। सोची कि इस तरीके से भी बनाया जा सकता है तो बहुत अच्छा बना। तो आप लोगों के लिए भी वीडियो सोची डाल देती हूँ, जिनको अच्छा लगेगा वो भी पापड़ बना के रख सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन के तैयार है हमारे कच्चे आलू और चावल के चटपटे पापड़। एक बार बनाए साल भर खाएं, कम मेहनत कम झंझट कम परेशानी में, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।